नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के चैनल NGME 95 में। दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप अपने प्ले स्टोर की कंट्री को कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों यह आप लोगों को उसी समय ज़रूरत पड़ती है जब आप लोग इंडिया के बाहर चले जाते हैं। मान लीजिए पहले आप इंडिया में रहते थे, अभी आप किसी दूसरे कंट्री में चले गए हैं, तो आप वहाँ के किसी भी ऐप को यूज़ करना चाहते हैं। जैसे आप क्रिकेट या फुटबॉल देखना चाहते हैं तो आप तो इंडियन ऐप से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो सभी ऐप वहाँ पे सर्वर नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको बाहर कंट्री की ऐप को यूज़ करना पड़ेगा, क्रिकेट या फुटबॉल या कोई भी मूवीज़ के जो चैनल्स होती हैं वो देखने के लिए। तो चलिए देखते दिखाते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो यहाँ प्रोफाइल का जो आइकन दिया हुआ है, पहले उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन यहाँ पे जो दिखा रहा है, पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे हमको क्लिक करना है। पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन से क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो दिखा रहा है पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक किए दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो है, वेट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये यह ओपन हो रहा है, आप लोग वेट कर लीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे ये जो पेमेंट मेथड है उसके बाद का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो देखिए पेमेंट मेथड खुल गया। उसके बाद जो है यहाँ पे जो लास्ट का जो ये ऑप्शन दिख रहा है, ये लास्ट का मेथड जो है मोर पेमेंट सेटिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद देखिए मोर पेमेंट सेटिंग में क्लिक करने के बाद यह जो है आपका डायरेक्ट क्रोम ब्राउज़र में खुल जाएगा। आप जो भी ब्राउज़र यूज करते होंगे उस ब्राउज़र में यहाँ ये एक साइट खुलेगी, pay.google.com। यहाँ पे आपको कंट्री सेटिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पेमेंट सेंटर का ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे ये क्लिक करने के बाद, यहाँ आप सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद जो है आप लोगों का ऐसा एक इंटरफेस खुलेगा। इस इंटरफेस में खुलने के बाद देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है जनरल सेटिंग। उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे पेमेंट्स प्रोफाइल, मतलब आप जो पेमेंट करना चाहते हैं तो वो पेमेंट किस कंट्री से करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग को यहाँ तो पेमेंट से कोई ज़रूरत नहीं, हमको यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर की आईडी को चेंज करना है, ये कंट्री को चेंज करना है, सॉरी दोस्तों मैंने आईडी बोल दिया। तो यहाँ पे कंट्री को चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है, पहला दिया हुआ पेमेंट प्रोफाइल आईडी, उसके बाद दूसरा नंबर पे दिया हुआ कंट्री या रीजन। तो देखिए दोस्तों यहाँ मैं पहले से ही इंडिया में हूँ, तो यहाँ मेरा इंडिया दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो पेंसिल का जो आइकन दिया हुआ है, आपको इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है क्रिएट न्यू प्रोफाइल, आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना पड़ेगा। और क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद दिखा रहा है क्रिएट ए न्यू पेमेंट प्रोफाइल, तो यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद रुकिए दोस्तों, थोड़ा नेट स्लो। यहाँ पे देखिए कंट्री या रीजन सेलेक्ट करने को बोल रहा है, चूज ए कंट्री और रीजन। तो यहाँ से आपको कंट्री चूज़ कर लेना है कि आप अभी कौन से कंट्री में हैं। मान लीजिए आप अभी किसी भी देश में, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, मलेशिया में, आप किसी भी कंट्री को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। या आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, या अफ़गानिस्तान, अमेरिकन, यूएसए, यदि आप अमेरिका में हैं तो यहाँ पे यूएसए को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स, यदि आप यूएई में हैं, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, यूके में है, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और बता दूं दोस्तों कि यह प्रोसेस जो है मैक्सिमम 48 आवर्स का टाइम लेता है, मतलब मैक्सिमम 24 आवर्स टू 48 आवर्स, यानी दो दिन का आपको यह टाइम लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका प्ले स्टोर का जो कंट्री जो है चेंज हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।